रणबीर करेगा प्राची के साथ पार्टी में रोमांटिक डांस, और बार बार रणबीर प्राची के पेट को छूकर प्राची को एहसास करवाएगा कि उसे पता चल गया है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, जिसे देखकर रिया के उड़ेंगे होश। और रणबीर प्राची को रोकने के लिए रिया गिरा देगी प्राची के ऊपर जूस, लेकिन देख लिया विक्रम ने, और सबके सामने रणबीर मांगेगा रिया से तलाक, जिस वजह से रिया मार देगी प्राची को 100 से धक्का, और प्राची के पेट में पल रहे रणबीर के बच्चे की जान पर आएगा बड़ा खतरा। और पल्लवी एंड पूरी पार्टी के सामने रणबीर मार देगा रिया को 100 से तमाचा, और प्राची का हाथ पकड़कर चला जाएगा हमेशा के लिए कोहली हाउस से बाहर। जी हाँ दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब रणबीर रेडी होकर आएगा और अचानक से प्राची को सरप्राइज देने के लिए रणबीर प्राची को पता ना चले ऐसे पीछे से हाथ पकड़ेगा और उसके साथ रोमांटिक डांस करेगा, तभी रिया और पार्टी में आए हुए रणबीर के साथ बिजनेस डील करने के लिए उनके पार्टनर जब रणबीर को प्राची के साथ देखेंगे तब सबको काफी बड़ा शौक लगेगा। और विक्रम उन बिजनेस पार्टनर को कहेगा आप जिस वजह से सोच रहे हैं कि रणबीर खुश क्यों है, तो वो अपनी पहली और असली पत्नी की वजह से, और जो ये रिया है वो रणबीर के साथ दूसरी शादी करने वाली ऐसे ही मुंह बोली दूसरी पत्नी है। यह सुनकर रणबीर के कंपनी के साथ डील करने वाले बिजनेस पार्टनर को काफी बड़ा शौक लगेगा। लेकिन रणबीर प्राची के साथ रोमांटिक डांस करते हुए जब प्राची का पेट बार बार छुएगा तभी प्राची को घबराहट होगी और एहसास होगा कि कहीं रणबीर को तो पता नहीं चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और उसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। लेकिन जब रणबीर प्राची के सामने अचानक से बैठकर जब प्राची के पेट को गले लगाएगा तभी रिया ये देख नहीं पाएगी, जिस वजह से काफी गुस्से से रिया रणबीर प्राची के यह रोमांटिक डांस के पल को रोकने के लिए वेटर के जरिए प्राची रणबीर के पास जाकर प्राची पर जूस गिरा देगी। और अचानक से जूस गिरते हुए देख प्राची रणबीर को काफी बड़ा शौक लगेगा, लेकिन रिया प्राची पर जूस गिराने का इल्जाम वेटर पर लगा देगी। लेकिन ये सारी हरकतें करते हुए रिया को और किसी ने नहीं बल्कि शाना और विक्रम ने देख लिया होगा। लेकिन पार्टी को खराब ना करते हुए जब विक्रम रिया पर गुस्सा होकर रिया को समझाने के लिए जाएगा तभी शान अब विक्रम को रोक लेगी। लेकिन प्राची पार्टी को खराब ना करते हुए चुपचाप अपनी साड़ी को चेंज करने के लिए चली जाएगी, और यही सही मौका देखकर रणबीर रिया को अकेले में बुलाएगा और कहेगा कि रिया मैं कुछ तुमसे इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। तब यह सुनकर रिया मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। लेकिन जब रणबीर कहेगा कि मैं प्राची से बहुत प्यार करता हूँ और प्राची के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है, तब यह सुनकर रिया को काफी बड़ा शौक लगेगा और यह कहेगी ये सब रणबीर तुम क्या कह रहे हो, मुझे लगा कि तुम मेरी बात कर रहे हो और तुम कहना क्या चाहते हो। तब रणबीर तलाक के पेपर्स निकालते हुए रिया को कहेगा रिया मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ, तुम प्लीज इन पर साइन कर दो। तब यह सुनकर रिया के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन जब प्राची साड़ी चेंज करके नीचे आएगी और रिया पल्लवी को परेशान देखेगी और प्राची रिया के पास जाएगी और रिया को कहेगी कि क्या हुआ, तभी रिया रणबीर के तलाक का गुस्सा निकालने के लिए प्राची का गुस्से से हाथ पकड़ती हुई प्राची को जोर से धक्का मार देगी और कहेगी ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तभी रणबीर प्राची के पास आकर प्राची को गिरने से बचा लेगा और पल्लवी गुस्से से जब कहेगी कि इस घर की बहू सिर्फ रिया है और रिया तुम्हें तलाक नहीं देगी, तब रणबीर कहेगा प्राची इज माई रियल वाइफ, प्राची मेरी असली पत्नी है और वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, इसीलिए उसकी सिक्योरिटी और उसकी सलामती के लिए मैं इस घर को यानी कोहली हाउस को छोड़ने का फैसला लेता हूँ। यह सुनकर पल्लवी रिया आलिया विक्रम दीदा सबके होश उड़ जाएंगे और प्राची रणबीर की आंखों में अपने लिए प्यार देखकर रणबीर को गले लगा लेगी और रणबीर अपनी प्राची के लिए अपनी माँ से और पूरी दुनिया से लड़ेगा। और आपको रणबीर प्राची की जोड़ी कैसी लग रही है और आपको किसकी जोड़ी सबसे ज्यादा पसंद है, अभी प्रज्ञा की क्या फिर रणबीर प्राची के? एंड सबसे जरूरी सवाल कि आप प्राची को रणबीर के बच्चे की माँ के रूप में देखना चाहते हैं क्या नहीं, और प्राची को बेटा होना चाहिए क्या फिर बेटे, ये सब हम कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक और सब्सक्राइब करें।